के प्रेसिडेंट एर्दोगान मुस्लिम देशों की तरफ से दुनिया का लीडर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन अब एर्दोगान का ये सपना सपना ही रह गया है। दरअसल राष्ट्रपति एर्दोगान की पार्टी लोकल चुनाव में कई जगह मेयर पद पर हार गई है। राष्ट्रपति एर्दोगान को कभी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनको 21 साल के शासन में पहली बार हार का सामना करना पड़ेगा। तुर्की में विपक्ष ने स्थानीय चुनाव में राष्ट्रपति एर्दोगान और उनकी पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी एके पार्टी पर बड़ी जीत दर्ज की है। देश की मुख्य विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी ने इस्तांबुल, अंकारा और इजमिर के प्रमुख शहरों में जीत दर्ज करते हुए इतिहास दर्ज किया है। तो आइए जानते हैं कि कौन है इक्रेम इमामोग्लू, जिन्होंने तुर्की का दिल कहे जाने वाले शहर में राष्ट्रपति की पार्टी को हराकर अपने नाम को भी दर्ज करा दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। इक्रेम इमामोग्लू 53 साल के हैं। इमामोग्लू का करियर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की तरह ही है। दोनों ने 1990 के दशक में इस्तांबुल में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हुए अपने कदम राजनीति में आगे बढ़ाए। इक्रेम जो ट्रैबजोन में पैदा हुए, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद परिवार के कंस्ट्रक्शन बिजनेस को चलाया। बिजनेस में सफलता के बाद उन्होंने राजनीति का में शामिल एक तरीके से हुए। 2008 में इमामोग्लू CHP पार्टी में शामिल हो गए और 2014 में इस्तांबुल के बेकलीडुचु जिले में मेयर बन गए। 2019 में उन्होंने इस्तांबुल में राष्ट्रपति की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के उम्मीदवार को हराकर चुनाव जीता। एर्दोगान की पार्टी की शिकायत के बाद अदालत ने नतीजों को रद्द कर दिया और फिर से चुनाव हुए। इमामोग्लू ने वो चुनाव और बड़े अंतर से जीतकर एर्दोगान को जबरदस्त झटका दिया। मौजूदा चुनाव में एर्दोगान की तमाम कोशिशों के बावजूद इमामोग्लू ने जीत हासिल की है। इस जीत के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि वो एर्दोगान की सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। साल 2022 में तुर्की के सर्वोच्च चुनाव परिषद का अपमान करने के आरोप में इमामोग्लू को 2 साल और 7 महीने जेल की सजा सुनाई गई और राजनीति से प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्होंने इस मामले में अपील की है, लेकिन अपील अदालत ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया है। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पहली बार मेयर बनने के दौर के हैं। राष्ट्रपति की पार्टी ने इस चुनाव में अनियमितताओं की शिकायत की थी, जिसके बाद दोबारा चुनाव हुए थे। इस बार के स्थानीय चुनाव में तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी सेंटर लेफ्ट रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP ने बड़ी जीत हासिल की है, जबकि कुछ महीने पहले ही एर्दोगान ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी और तीसरी बार चुने गए। लेकिन इसके बावजूद बड़े शहरों के मेयर चुनाव में विपक्षी दल ने उनकी पार्टी को मात दे दी है। 2019 में इस्तांबुल जीतने वाले सेकुलर विपक्ष के नेता इक्रेम इमामोग्लू ने दूसरी बार जीत हासिल की है। इनको 50% से ज्यादा वोट मिला और उन्होंने राष्ट्रपति एर्दोगान के एके पार्टी के उम्मीदवार को लगभग 10 लाख वोट से हरा दिया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान मुस्लिम दुनिया के नेता बनने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। दुनिया के किसी कोने के मुसलमानों का मुद्दा हो, एर्दोगान सबसे पहले आवाज उठाने वालों में से होते हैं। शायद यही वजह है कि तुर्की पिछले कुछ सालों से मुस्लिम मुद्दों पर सऊदी अरब से अलग चलता नजर आया है। इसके पीछे का मकसद मुस्लिम दुनिया में खुद की एक अलग पहचान बनाना नजर आता है, लेकिन अब उनका ये सपना टूटता नजर आ रहा है। 20 साल से भी ज्यादा सालों से तुर्की पर राज करने वाले एर्दोगान अपने ही देश में कमजोर होते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट सबसे